नमस्कार, मैं हूं श्यानी और आप देख रहे हैं न्यूज 1 11। मतदान प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है और रिजल्ट के लिए काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। इधर मीडिया ने एग्जिट पोल दिया जिसमें बीजेपी को बढ़त है, इस सबसे विपक्षी पार्टियां नाराज हैं। वहीं आज राबड़ी देवी ने ट्वीट कर चुनाव आयोग पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। राबड़ी देवी ने ट्वीट में लिखा कि सीबीआई ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की तरह चुनाव आयोग ने भी भाजपा से पहले गठबंधन किया और अब उसे विलंब बेशर्मी से काम कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने एक दूसरे पार्टी पर भी देश भर में इस तरह की बातें कही हैं। तो जिस तरह से राबड़ी देवी ने ट्वीट करके कहा है और जिस तरह से चुनाव आयोग पर ईडी पर जिस तरह से सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, आप देख सकते हैं इस ट्वीट में जिस तरह से साफा लिखा हुआ है, सीबीआई ईडी की तरह चुनाव आयोग ने भाजपा से पहले गठबंधन पर लगाया आरोप। ट्वीट पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निर्भय किशोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्भय, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? निर्भय, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? निर्भय, जिस तरह से राबड़ी देवी ने ट्वीट कर जिस तरह से यहाँ पे सामने आ रहा है ये ट्वीट, जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए, आखिर क्या कुछ मामला क्या है ये? हमारे संवाददाता से लगता है संपर्क टूट गया है नेटवर्क के चलते। हम आपको बता दें एक बार फिर कि राबड़ी देवी ने ट्वीट कर इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया है। जिस तरह से बीते लास्ट मतदान के दिन, मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव का फोटो जो है वो आपको, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से वोटर लिस्ट से उनका तस्वीर गायब होने का राबड़ी देवी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था और कहा था कि चुनाव आयोग जो है वो अंधा हो चुका है। उसी के सिलसिले में आज राबड़ी देवी ने ट्वीट किया है। एक बार फिर हमारे संवाददाता निर्भय किशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी निर्भय, आप तक क्या हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी रानी, बोलिए। निर्भय, जिस तरह से राबड़ी देवी ने ट्वीट किया है और सीबीआई ईडी पर जिस तरह से निशाना साधा है, आखिर क्या कुछ मामला क्या है ये? जी शिवानी, देखिए कि जैसे चुनाव की शुरुआत के साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बार बार ट्विटर पे सबको सवालिया निशानों के तौर पे खड़ा करते थे या फिर ट्विटर के माध्यम से वार किया करते थे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ और तेजस्वी यादव वोट नहीं किए और इसको लेकर के उसके बाद कहीं ना कहीं देख सकते, एक तरफ तो तेजस्वी अब ट्विटर पे थोड़े शांत हो गए, लेकिन दूसरी तरफ उनकी माता जी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ट्विटर पे आजकल लगातार हमलावर हो रही हैं। और जैसे चुनाव के दिन हमने देखा था कि तेजस्वी यादव का जो फोटो और चुनाव आयोग के लिस्ट जो जारी होता है, वोटर लिस्ट जो होता है, जिसमें तेजस्वी की फोटो तो गलत आ गई थी उनकी जगह पे, नाम उनका सही था, सब कुछ सही था, लेकिन फोटो वहां नहीं होने के बाद तेजस्वी जो राबड़ी देवी जब वोट करने गई थी तो उन्होंने देखा था वोटर लिस्ट, जिसके बाद उन्होंने बूथ पर भी काफी मतलब शोर शराबे भी किए थे कि ऐसा ऐसा गलत है, ऐसा क्यों। उसके बाद आज उन्होंने लगभग 2 घंटे पहले ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने चुनाव आयोग पर ही सवालिया निशान खराब किया है। बता दूं शिवानी आपको कि राबड़ी देवी ने लिखा है क्या कि सीबीआई और ईडी के साथ ही अब चुनाव आयोग जो है वो भाजपा के साथ गठबंधन कर रही है और इसके साथ ही उन्होंने मतलब बोला है चुनाव आयोग की अब ये सब मिलकर के बेशर्मों की तरह काम कर रहे हैं। शिवानी, हम जैसे देख रहे थे कि जिस तरीके से चुनाव शुरू हुआ था और प्रचार का दौर शुरू हुआ, राजद देखे कहीं ना कहीं लालू यादव को लेकर के और काफी मतलब एक मुद्दा अपने तौर पे खड़ा करना चाहते थे कि कहीं ना बीजेपी ने या फिर पक्ष की जो सरकार है जिसमें नीतीश भी हैं और एनडीए की सरकार यानी कि जो डबल इंजन की सरकार अभी बिहार में चल रही है, खासकर उनको लेकर के राबड़ी देवी या फिर तेजस्वी बार बार जहां भी मंच पे सभा किया करते थे वहां पे वो बार बार एक ही शब्द बोला करते थे कि हमारे पापा को फंसाया गया है। इसको लेकर के हालांकि राजद मुद्दा बनाना चाहती थी लेकिन मुद्दा वो बन नहीं पाया और इसके बाद जैसे एग्जिट पोल आया है, इस एग्जिट पोल में जहां जिस तरीके से बीजेपी को बढ़त मिली हुई है, एनडीए सरकार को इसमें देख रहे हैं कि बढ़त मिली हुई है, उसके बाद अब ये सब बौखला गए हैं कहीं ना कहीं। एक तरफ देखते जितने भी नेता है वो सब लोग एग्जिट पोल को खारिज करते हुए दिख रहे हैं, हालांकि जितने भी चैनल है और जितने भी सर्वे संस्थान है सबने एनडीए को बढ़त दिया है। बिहार में भी देखे तो बिहार में भी महागठबंधन के बाद भी
एनडीए को ही बढ़त मिलती हुई दिख रही है। तो इसको लेकर के अब सभी एक तरीके से देखे तो जैसे कल हमने देखा था कि अब्दुल बारी सिद्दीकी थे या फिर राजद के और भी नेता, इसके अलावा आपको हम पार्टी के अध्यक्ष को भी देखा हमने, शरद यादव ने भी आज नवादा में बोला है कि ये सब गलत है, 23 तारीख को नतीजे अलग होंगे। इसको लेकर के सब जगह राबड़ी देवी ने एक और दूसरा भी ट्वीट किया था, उसके जस्ट पहले ही ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि जिस तरीके से चुनाव के बाद व्रतगिरी के बाहर या गाड़ियों पे जिस तरीके से ईवीएम मशीन मिल रही है, ये ईवीएम मशीन मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी की एक गांठ गांठ है। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम मिल रहे हैं, निजी वाहनों पे ईवीएम मिल रहे हैं, ट्रकों पे ईवीएम मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये पकड़े जा रहे हैं। जैसे हमने देखा था शिवानी की मुजफ्फरपुर में कुछ दिन पहले वोटिंग होने के बाद एक होटल में ईवीएम मशीन मिला था। तो इस तरह की सारी बातों को उन्होंने समेटते हुए ट्विटर पे उन्होंने जो पोस्ट किया है उसमें सभी तरीके से चुनाव आयोग को एक मतलब क्या बोलते हैं उनको प्रूफ के साथ वो प्रूफ करना चाहिए कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ मिलजुल कर साठ घाट करके बीजेपी को जिताना चाहती है। तो इस तरीके से उन सबको लेकर के राबड़ी देवी ने ये ट्वीट किया है और इसमें जो उन्होंने आरोप लगाया है वो काफी बड़ा गंभीर आरोप कहा जा सकता है। जैसे कि सीबीआई को लेकर के मैं थोड़ा सा शिवानी आपको पीछे लेके चलूं तो जैसे राबड़ी देवी पे जांच हुई और उसके बाद रेलवे वाले जो मामले थे जिसमें तेजस्वी यादव भी फंसे और कहीं ना कहीं आय से अधिक संपत्ति के मामले में, उसके बाद चारा घोटाला मामले में लालू यादव के ऊपर जैसे हुआ, तो इनको लेकर के बार बार राजद जो है ये हमलावर होती गई है। सीबीआई को लेकर के उनके जांच पे भी इन्होंने बार बार सवालिया निशान खड़ा किया है, इसके अलावा ईडी की कार्रवाई पे भी इन्होंने सवालिया निशान खड़ा किया है। तो इस तरीके से पूर्ण रूप से देखें तो राबड़ी देवी ने आज एक बार फिर सबको समेटते हुए उन्होंने चुनाव आयोग पर भी एक बार फिर से आरोप लगा दिया है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ मिलकर या फिर एनडीए के साथ मिलकर उसको बढ़त बना रही है। और ये सब कुछ जो शिवानी को देखने को मिला है ये सब एग्जिट पोल के बाद ही देखने को मिला। जी शिवानी जी, निर्भय, आपका तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि मतदान प्रक्रिया जो है वो अब लगभग समाप्त हो चुकी है, रिजल्ट के लिए काउंटडाउन भी लोगों ने शुरू कर दिया है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें राबड़ी देवी के ट्वीट की तो राबड़ी देवी ने ट्वीट कर सीधा चुनाव आयोग पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। आपको एक बार फिर बता दें कि सीबीआई और ईडी की तरह चुनाव आयोग ने भी भाजपा से पहले गठबंधन किया, ऐसा आरोप लगाया है राबड़ी देवी ने और लिखा है कि इसमें विलय कर बेशर्मी से काम कर रहा है इलेक्शन डिपार्टमेंट। इसके साथ ही उन्होंने एक दूसरा पोस्ट भी किया है जिसमें देश भर के स्ट्रांग रूम्स को आसपास ईवीएम की बरामदगी को लेकर भी शक जाहिर किया है। वहीं एग्जिट पोल के बाद अब प्रदेश में राजनीति गर्माती दिख रही है। इस सर्वे में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है जिसे राजद ने पूरी तरह से नकार दिया है। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि एग्जिट पोल बाजार की मजबूरियां हैं और इसे उसी नाम से बेची जाती है। गया में एनडीए के फेवर में एग्जिट पोल को जाते देख पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तंज कसते हुए कहा कि मीडिया भाजपा की बिकाऊ है और उसी के फेवर में बोलेगी। जितने भी एग्जिट पोल हैं इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जो भी रिजल्ट है सब 23 तारीख को क्लियर हो जाएगा। एनडीए पोल कभी भी जो एग्जिट पोल है एनडीए के पक्षी में सदा वो अपना दिखलाता है, इससे साबित होता है कि साहब उनके द्वारा प्रायोजित है और जितने चैनल हैं घराना है वो लोग अपना टी आर बढ़ाने के लिए कि हमारा चैनल चलते रहे इसके लिए भी वो करते हैं साजिश है। और आज वेंकट वेंकटैया नायडू साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सब कहा इस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। और जितना भी यहाँ एग्जिट पोल निकलाए गए हैं सब भाजपा के ही पक्ष में निकलाया जाता है, ऐसा क्या कारण है? इसका मतलब है सब भाजपा के द्वारा प्रायोजित है कि जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो 23 तारीख को निकल दिया गया। साथ ही बीजेपी नेताओं ने एग्जिट पोल में एनडीए की बढ़त पर खुशी जाहिर करते हुए मोदी का जमकर बखान किया। एग्जिट पोल जो आई है वो सच्चाई सामने आ गई है और सच्चाई सामने आने से दिख रहा है विपक्ष का सफाया हो गया है। और 23 तारीख को भी तो एग्जिट पोल टेलर था, 23 तारीख को जो रिजल्ट आएगा तो विपक्ष का बुढ़िया बिस्तर बंधाया जाएगा जा करके और कहीं का नहीं रहेंगे जा करके। इसलिए कि विपक्ष में बैठने का जो पिछले 14 में स्थिति बनी थी कि विपक्ष को संख्या भी नहीं जुट पाया था
वो फिर से 2014 दोहराने जा रहा है। देखिए, ये जो सर्वे आया है न्यूज चैनलों का, ये कोई नई बात नहीं है और यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जो नरेंद्र मोदी जी ने गांव, गरीब, किसानों, मजदूरों की रहनुमाई की है, जो गरीबों के 5 लाख का इंश्योरेंस कार्ड दिया, हेल्थ कार्ड दिया, जो माताओं और बहनों के आंसू पोंछने के लिए उनके गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया, कनेक्शन दिया, ये उसका परिणाम है। और 350 सीट तो लगभग हम लोग भी एक्सपेक्ट करते थे, और उसी के इर्द गिर्द जो न्यूज चैनल के जो सर्वे आए हैं वो उसी के इर्द गिर्द। वहीं जदयू ने एग्जिट पोल का स्वागत करते हुए इसका क्रेडिट लेने की भरपूर कोशिश की है। जदयू नेता अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार में पहले से ही सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी की लहर थी, ये होना स्वाभाविक था। वहीं जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि जो जन भावना का ख्याल नहीं रखेगा, जनता उसका यही हाल करेगी। एग्जिट पोल क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है सभी एग्जिट पोल में, और पुराने जो एग्जिट पोल रहे हैं उसमें बहुत वेरिएशन रहता था तो समझ में नहीं आता था क्या है, लेकिन जिस तरह का एग्जिट पोल इस बार आ रहा है उसके हिसाब से एनडीए की सरकार बनती दिख रही है और मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री बनते दिख रहे हैं। और हम लोग पहले से कह रहे हैं कहीं ना कहीं नीचे में, खास करके बिहार का जो एग्जिट पोल है वो दिखा रहा है कि पूरी तरह से वेव था एनडीए का, नीतीश जी का काम का और मोदी जी के वापसी का, ये दोनों जो था ना बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन था और इसका फायदा मिला एनडीए को। देखिए, जन भावनाओं का सम्मान जो नहीं करेगा, जनता उसको इसी तरीके से किनारे लगाती है। आज अगर उनके पास कैमरे का सामना करने का साहस नहीं है तो निश्चित तौर पर केवल इसलिए है कि अब तक वो बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उन तमाम दावों की हकीकत सामने आ गई है और एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं इससे बेहतर चुनाव परिणाम आएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 28वीं पुण्यतिथि है, जिसके मौके पर सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राजीव गांधी की समाधि वीरभूमि जाकर श्रद्धांजलि दी। वहीं पीएम मोदी ने ट्विटर के माध्यम से पीएम मोदी ने ट्वीट कर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। पटना के कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में राजीव गांधी की बलिदान दिवस मनाई गई। बता दें कि इस दौरान कांग्रेस बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने राजीव गांधी के किए गए कार्य और योगदान को याद किया। वहीं इस अवसर पर बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा सहित अन्य विधायक मौजूद रहे। निश्चित रूप से हम लोग हर एक वर्ष की भांति आज भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। हमारे राजीव गांधी जी का क्या योगदान है भारत के निर्माण में, चाहे अन्य देश पूरे विश्व में उनके देश के मान और मर्यादा को बढ़ाने में सभी लोग जानते हैं। उन्होंने भारत में बहुत ऐसे काम किया जिसके चलते आज भारत उन्नत की ओर अग्रसर। मैं उनको याद करता हूँ इस अवसर पर और अपने लोगों को याद दिलाता हूँ जो उनके किए कार्यों को आगे बढ़ाया जाए जिससे भारत मजबूती की ओर बढ़े। समय चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बगहा के गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने से रामधाम मंदिर मोहल्ले के समीप खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें कि नदी के बढ़ते जलस्तर से मोहल्ले वासियों में भय और दहशत का माहौल है। वहीं करोड़ों की लागत से घटिया बांध निर्माण में कटाव से ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर जल्द ही बांध को मरम्मत कराने की मांग कर रहे हैं। ये भोल बटे जे ठेकेदार लो बांधत आलो आ लूट के पैसा धरत आलो आ हरदम हरदम ये अंगकार करता लो समूचा नदी में जात अटे आ घर द्वार लो के गिर जाई आ ठेकेदार लो अपने घरे वाइस करी लो। चौथा बेर हो गई। अभी कोई आया कि नहीं देखने के लिए? कोई नहीं आवत, ना कोई जाता ना कोई आवत, अब गइले गइले का जउत बा। पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने छात्र की प्रेम प्रसंग में हत्या कर दी। आपको बता दें कि कोचिंग क्लास से निकलते ही छात्र पर चाकू से हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया गया, जिसके इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज शाम को करीब शाम 6:30 के आसपास रामाचरे पार्क के पास में कुछ छात्रों द्वारा आपस में विवाद हुआ। उसी क्रम में मारपीट हुआ और एक छात्र अमन राज को उसके साथियों द्वारा चाकू मार के घायल किया गया है, जिनको इलाज के लिए पीएमसीएच से चलाया गया। उसी क्रम में उनकी मृत्यु हुई है। गोली की पुष्टि नहीं हुई है और उनके साथी को हम लोगों ने पूछताछ किया है तो अभी तक गोली वाली बात सामने नहीं आई है, क्योंकि हम लोग आगे इंक्वायरी कर रहे हैं। बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र के मानिकपुर दियारा में अपराधियों ने जमीनी विवाद में एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर युवक की पड़ोसियों से विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। हम तो गए थे दीवा गए आए, जब अभी खोल रहे थे कि सूचना दिया मुंशी की एगो के गोली लगा हुआ है, तो जब रूम से अपन निकले और निकल के एगो चौकीदार के साथ में आए हॉस्पिटल आए तो देखे कि गोली आर पार लगा हुआ है। पटना के आर ब्लॉक गोलंबर के निकट पीएनबी के दफ्तर में आग लग गई। बता दें कि घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस मौके पर पहुंच आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी है। अब झारखंड की खबरों की करते हैं। जमशेदपुर के कदमा में महिलाओं के दो गुटों के बीच हुए विवाद में पथराव हुआ। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत करवाया है। वहीं पुलिस ने दोनों गुटों की कुल 7 महिलाओं को जेल भेजकर अन्य महिलाओं की खोजबीन कर रही है। तारगी का मैडम दोनों पड़ोसी से मारपीट हुआ, बच्चा लेकर के एक दूसरे घर में पत्थर फेंका। पहला बार फिर हम लोग पकड़ के लाए, फिर जैसे हम लोग थाना पहुँचे फिर दोबारा ये लोग आपस में फिर भिड़ गया, काफ़ी क्षति किया, वो छत की करकट वर्ग टूट गई, बस पड़ोसी का झगड़ा है। जमशेदपुर के LBSM कॉलेज में 12वीं का रिजल्ट खराब होने से छात्रों ने फिर से कॉपी जांच की मांग को लेकर जमशेदपुर उपायुक्त को लिखित शिकायत किया है। आपको बता दें कि इस वर्ष 12वीं के रिजल्ट में 20% छात्र ही पास हुए हैं जबकि 80% छात्र फेल हो गए। वहीं छात्रों ने रिजल्ट में धांधली होने का इल्जाम लगाते हुए फिर से कॉपी जाँच की मांग की है। कहाँ चल गया?
हटवा लो। एलिवेशन कॉलेज इंटरमीडिएट का इंटरमीडिएट 12 क्लास का रिजल्ट का है, जो कि हम लोग का इंटरमीडिएट में से 100% रिजल्ट में से 20% ये रिजल्ट अच्छा हुआ, जिसमें से 80% रिजल्ट खराब हो गया। आज हम लोग दो दिन से धूप में आ रहे हैं, बहुत सारे विकलांग बच्चे भी हैं, वो लोग माँ बाप के साथ आ रहे हैं, धूप में डीसी सर से मुलाकात करने के लिए, मुलाकात हो नहीं पा रहा है। बुलेटिन में बस इतना ही, तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 11। नमस्कार।